हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक ही बीएससी जोन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज स्टार्ट, या हम यूं कह लो कि हमने एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है लेट्स टॉक विद अभिनव। इसमें हम जो एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको जिन्होंने क्रैक किया है, हम उनको बुलाते हैं यहाँ पे और उनसे उनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं। आज जो हमारे साथ शख्स है, इनका नाम है उज्जवल गुप्ता। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उज्जवल भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये यूपी पीसीएस निकाल चुके हैं। इनको अपने होम पोस्टिंग मिल गई थी, बट स्टिल उन्होंने यूपी पीसीएस में तहसीलदार की जॉब छोड़ी है और अभी ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है सीजीएल 2018 बैच से। ये सीजीएल 2017 बैच से भी डबल हुए थे। इन सब के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्यों वो जॉब छोड़ी और अभी यहीं पे क्यों है। अगर एंड तक आप ये सब जान जाओगे तो अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। उज्जवल भाई, हाँ जी, अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, जैसे कि नाम तो पता ही चल गया, मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज बोलेंगे, योगी जी ने प्रयागराज तो अब प्रयागराज ही बोलेंगे, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर आप क्या बोलते बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये वाकया हुआ था मेरे साथ इंटरव्यू में, यूपी पीसीएस 2018 का इंटरव्यू था। इंटरव्यू बोर्ड में जब मैंने इलाहाबाद बोल दिया था तो वहीं पे एक लाफिंगली जोकिंगली बोला, ठीक है, इसको प्रयागराज नाम है, प्रयागराज ही बोलिएगा, गवर्नमेंट बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो रखा है, मेरे साथ भी हो रखा है। एक बार हम लोगों ने एक्चुअली गुड़गांव बोल दिया था अपने ऑफिस में कि गुड़गांव से, तो हमारे उसने टोक दिया था कि आप लिख रहे हो उसको गुरुग्राम लिखो। हाँ, तो ये होता है। तो बेसिकली फिर गया प्रयागराज से, मैंने स्कूलिंग भी किया और वहीं पे फॉर्चुनेटली मुझे कॉलेज भी मिल गया। अच्छा, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाहर जाने की, बट एक होम सिकनेस, एक गलत शब्द है, एक्चुअली होम सिकनेस नहीं कहूँगा मैं उसको, मैं कहूँगा कि आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े रहते हो, आप वहाँ के लिए कुछ करना चाहते हो, वहीं रहना चाहते हो, तो ये एक फैक्टर था। इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं अपने NIT इलाहाबाद से किया। ये इसी से पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास दिल्ली जाने के बहुत सारे चांसेस है। हाँ। मेरा दिल्ली एक्चुअली होम टाउन है, मैंने दिल्ली में ब्रॉड डाउन हूँ, मैं बिहार आया हूँ जस्ट बिकॉज कि बिहार से मुझे प्यार है। मैं ना मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो बिहार के लिए करूँ। हाँ, तो ये होम सिकनेस नहीं है। अगर होम सिकनेस है तो मैं दिल्ली को ज्यादा मिस करता हूँ। हर 2-3 महीने में मैं 1 वीक के लिए वहां चले जाता हूँ। बिल्कुल। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कैसे, कहां से? दोनों मेरा CBSE बोर्ड से था। 10th मैं क्लास का लगभग मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ, मोर देन अबव देन मीडियोकर आप कह सकते हैं। आई स्कोर्ड 83% इन क्लास 10th, और उसके बाद जैसा कि सब जानते हैं 11th में थोड़ा आदमी टीनेज की राह में होता है, भटक जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वाकिफ है इन सब से मैं हो गया था। तो 12th में थोड़ा सा कम रहा। कितना था? 78 83। ये होता है जब आप अपने आप को, मतलब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा है, बट मतलब हम 60s वाले हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के सहारे हम कॉलेज पहुंचे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत। अभिनव भाई, मैं बता दूं, आज एट द मोमेंट आफ्टर क्रैकिंग सो मेनी एग्जाम, व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे लगता है ये सब स्कोर्स मैटर इतना नहीं करते। आप लाइफ में क्या अचीव कर पाते हैं वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। ग्रेजुएशन में आपने क्या बीटेक किया है? जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है मैंने NIT इलाहाबाद से। NIT प्रयागराज? यस, प्रयागराज इलाहाबाद। ओके, और एक्चुअली इसको इलाहाबाद ही बोलेंगे। एक फैक्ट होता है ये सिंपल सा, ओके, अनलेस द गवर्नमेंट चेंजेस द नेम बाय रेजोल्यूशन, उसका नाम चेंज नहीं होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी कहलाएगी वो, और इलाहाबाद NIT आज भी कहलाएगा, अनलेस उनका लॉ से वो चेंज कर दिया। ओके, एक्चुअली इनके बारे में बता दूं, ये इनको ना पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम लोग यहाँ जो AAO होते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, उनको एक SAS एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, 9 एग्जाम्स है, तो उनके बारे में अगर किसी को कभी भी कोई भी डाउट होता है ना, वो हम सीधा उज्जवल भाई के पास जाते थे और हम सब ने 3-3, 4-4 एग्जाम्स इन्हीं की मदद से निकाली है। तो ये पर्सनल आप ट्यूटरिंग करते थे हम लोगों के लिए, ये जो पीछे क्लासेस दिख रही है यही वो पढ़ाया करते थे। तो इनको पढ़ने का बहुत शौक है और ये बहुत इन डेप्थ जाते हैं, ये ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, इनकी नॉलेज इज लाइक मतलब ऑसम। पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज? जी हाँ, थोड़ा सा रहा है कि म्यूजिक भी सीखूं मैंने, कीबोर्ड पियानो चलाया,
गिटार में भी हाथ आजमाया लेकिन नहीं बन पाया। फिर भी आप मुझसे अच्छा, मैं सीख रहा हूँ, मुझसे अच्छा बजाते हैं। और उसके अलावा कॉइन्स भी कलेक्ट करता हूँ मैं, फिलैटली का है। अब जैसे राइट नाउ आई एम वर्किंग इन CAG, मेरे पास अभी पॉकेट में है नहीं, वरना मैं दिखा था, मेरे पास एक CAG का 150 ईयर्स का कॉइन है। तो अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आए, कुछ पूछना हो आप नीचे पूछना, और अगर गिफ्ट करना चाहो तो अगर आपके पास कोई कॉइन है ठीक है, तो मैं पर्सनल इनका एड्रेस दे दूंगा, आप वहां पे डिलीवर कर देना, और मिलने इसी बहाने आप मिल भी पाओगे, क्योंकि ऐसे रिनाउंड पर्सनैलिटी से बहुत कम मिलते हो। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है। दिल्ली का है, करोल बाग में था मैं, एक सामान लिया था मार्केट से, तो उन्होंने मुझे 5 रुपीज़ वापस देने थे, उन्होंने दे दिया, मैंने पॉकेट में डाल लिया, और फिर आफ्टर सो मेनी डेज मैंने देखा वो 5 का सिक्का नहीं है, वो दिरहम था। अच्छा, टेक इट एज अ ब्लेसिंग, मैं आज उसे संभाल के रखा हुआ। मेरे पास भी दिरहम है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो दे सकता हूँ आपको, बट अभी है तो फिर क्या करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम में क्या जर्नी रही है अब तक, कब आपने स्टार्ट किया, कब आपको पता चला, क्योंकि पहले आप प्राइवेट में थे, आप जापान भी गए हो जॉब करने के लिए, साउथ कोरिया भी, तो कैसे वहां से वापस आए और गवर्नमेंट जॉब क्यों? जी, इसकी बिगनिंग होती है हम कहेंगे आपसे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से। फाइनल ईयर में क्या हुआ कि मेरे कलीग्स थे कुछ, दे वर वेरी क्लियर इन माइंड सेट कि उनको UPSC क्रैक करना है, तो वो उस राह पे निकल गए। अच्छा, परसेप्शन कैसे चेंज होता है ये समझिए, एक अंडरस्टैंडिंग। उस समय तक मेरा परसेप्शन था कि गवर्नमेंट में हमेशा करप्शन ही है, कुछ भी इसमें अच्छा चीज़ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट सर्विस सबसे बेकार है। हम मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं जब हाँ, वो टीनेज में होते हैं या हाँ, फिर 20-21 साल के। हाँ, उस समय हार्मोन्स लेवल हाई होते हैं, कुछ कर जाने कुछ करना है देश के लिए। यस, तो ऐसा ही करके हमने क्या किया, मेरा ऑलरेडी ऑप्शन था, मैंने गेट क्वालिफाई भी किया था, IIT कानपुर से, IIT रुड़की से मुझे कॉल भी आया था, IIT VHU से भी आया था M.Tech के लिए, बट रादर देन गोइंग फॉर डैट मेरा सैमसंग इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट हो गया एंड आई वेंट फॉर द जॉब, MNC जॉब। प्राइवेट में नौकरी किया, जैसे अब हम हैं ऐसे, तो मतलब हम लोग की जनरेशन ऐसी है, तो हमने इन्जॉय भी किया, ऐसे नहीं बात कहूँगा मैं, लेकिन उस बीच में रियलाइज़ किया मैंने कि आफ्टर विजिटिंग का कोरिया ऑल्सो, कि वो काफ़ी अपने नेशन के प्रति डेडिकेटेड है, इट इज रेलिवेंट कि वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे पब्लिक जॉब में हो। तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ किया कि यार वो अगर अपनी कंट्री के लिए इतना करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं करना चाहते। और गोइंग विद द ट्रेंड, उस समय ट्रेंड भी बहुत बढ़िया चल रहा था, उस समय हाल ही में क्या हुआ 2014 के अराउंड चेंज हो गया था पैटर्न वापस UPSC का। ओके हाँ, उसमें वो क्वांट और सब चीज़ आ गए थे, तो हम इंजीनियर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है कि वो क्वालिफाई इजी कर पाते हैं। तो देन आई स्टार्टेड कि अभी एज भी है, आफ्टर 3 साल की सर्विस हो चुकी थी, कि मैं वापस इसमें आ सकता हूँ जॉब में, तो एक ट्राई कर लिया जाए। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर UPSC। मैंने 2015 में जब रेजिग्नेशन दिया, UPSC दिया, उसी साल एग्ज़ाम भी दिया, और लकीली मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ भी गए थे। जैसे मैं रिकॉल करूं, मेरे 84 मार्क्स आ गए थे पेपर 1 में। ओके हाँ, UPSC मेंस नहीं, प्री में okay. जिसको क्वालिफाई करते। और उसी साल, जैसे अगर आप टीना डाबी का नंबर देखेंगे, नेक्स्ट ईयर जो आया था 15 में ही, तो ऑल्दो शी वॉज फ्रॉम कैटेगरी, बट प्री निकालने के लिए उन्होंने इससे भी कम मार्क्स थे। हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस डेडिकेशन चाहिए, परसेवरेंस चाहिए, आप एग्जाम निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट ईयर मैंने स्कोर किया 126 प्रीलिम्स में, आई रोट UPSC मेंस विथ एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते पढ़ते, अच्छा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्ट आया मुझे, और उसी का इंटरेस्ट मुझे बायो में भी आ गया। तो एक ऐसा हो जाता है इस समय कि आपकी कुछ आप पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो गेन होता है उससे आपके माइंड मैप्स खुल जाते हैं इससे, और आप पढ़ने लगते हैं और ना, तो ऐसी चीजें होने लगी, तो मुझे काफी अच्छा लगा, और फिर मैं कभी प्राइवेट की तरफ नहीं गया। ये एक्चुअली
वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था आपका। आई डोंट नो कि फाइनेंशियली आप कैसे देखते हो, बट हमारे डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनको सर्विस करते हुए 2-3 साल हुए होंगे आई गेस, बट स्टिल हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर लोग हैं जो इनसे कंसल्ट करते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। आपके जैसे लोग कम हैं, और मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो बाहर अपनी सर्विस दे रहे हैं वो आए यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में आए। हाँ, बिल्कुल। उन्हें नीड है, बाहर से हम ना कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है, लेकिन आपको आना पड़ेगा अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं। सो मच अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, इफ दोज एक्सपोजर दो एक्सपीरियंस यूटिलाइज इन गवर्नमेंट सर्विस तो वो एक डिसरप्शन आता है, जो कि आज हम देख रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है डिसरप्शन, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, उसने पूरी मीडियोकर की जो मिडिल मैन की लॉबी खत्म कर दी है ना। या ये एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है। सो आपने आप पहले 2017 से एसएससी सीजीएल 2017 से आप डबल एओ थे। हाँ, गुजरात में। हाँ, 2018 से आप अगेन डबल एओ बने और आपको आपको प्रयागराज मिल गया, तो आपने तैयारी किया होगा एसएससी के लिए अलग से कुछ। हाँ, तो क्या आपकी प्रिपरेशन रही थी, जो एक्चुअली बहुत बच्चे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी किया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। जी ठीक है, तो बीइंग यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मुझे जीके पार्ट काफ़ी कुछ कवर था, लेकिन मैं फिर से भी कहना चाहूँगा कि एसएससी का जीके यूपीएससी का जीएस अलग अलग है, वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है और ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। हाँ, और अभी नया पैटर्न मैं क्या पा रहा हूँ एसएससी में भी, कि अब वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जीएस में जीके में आने धीरे 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 धीरे। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस पुट, लेकिन मुझे उस समय प्रिपरेशन के लिए ल्यूसेंट पढ़नी पड़ी थी, ल्यूसेंट जीके के। देख सकते हो यूपीएससी के बच्चे भी ना ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, हर कोई यहाँ आके ल्यूसेंट ल्यूसेंट कह रहा है, तो भैया फालतू में 12 बुकें खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ल्यूसेंट उठाओ, 5 बार पढ़ो, प्रीवियस ईयर करो, देखो कैसे नंबर। ल्यूसेंट का बेनिफिट आपको बता दूं, स्टेट एग्जाम्स में आपको वो बेनिफिट करती है, स्टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं करती है। हां, देन फॉर इंग्लिश पार्ट वापस से आता हूं, 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, माय इंग्लिश वाज सो पैथेटिक, ना वो कैलिब्री थी, ना ग्रामर था, कुछ भी नहीं था। Even after working in MNC for 3 years, ironical है ये। MNC में job करने वाले वालों की जो English होती है वो SSC के English से थोड़ा difficult भी होता है, just like हम कहते हैं ना कि उन लोगों को prepositions वगैरह का कोई knowledge नहीं होता है, कभी if लगा दिया, कहीं although लगा दिया, कहीं but लगा दिया, तो थोड़ा सा difference था। तो आपने कैसे इसको, क्योंकि और ज्यादा मुश्किल होता है। देख, actually होता क्या है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आप मुझे सिखा दोगे बहुत कुछ, लेकिन मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन गलत आता है, तो उसको निकाल के दोबारा से अच्छा इनपुट लेना वापस, वो मुश्किल। तो आपने कैसे किया? यही एक ही इसका सलूशन है, बैक टू बेसिक्स। आपको वापस से ग्रामर के सारे रूल्स रिवाइज करने पड़ेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब समझना पड़ेगा आपको, और एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। Yes, उसके, के लिए। उसके बिना वो कैप अगर करिएगा तो आप रट्टा मारेंगे, अगर उसने आपने कर लिया आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, एनी न्यू वर्ड यू कैन क्रैक इट, तो आई विल रिकमेंड दैट बुक, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी किताब है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और रेफर करते हैं, तो प्लीज इसको आप अपने बुक लिस्ट में जरूर डाल दो। और अभिनव भाई, मैथ्स के लिए मैं आपसे अच्छा क्या बताऊँ, आपका तो बहुत ही अच्छा है, मैं उसके लिए आप ही बोलूंगा, आप ही सबसे परफेक्ट पर्सन है जो बता पाएंगे कि मैथ्स के लिए। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है, मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप अपनी तरफ से बताओ कि आपने क्या किया था, आपकी मैथ्स कैसी थी, कैसी थी? मेरी मैथ्स अच्छी है, सॉल्विंग स्किल अच्छा है, प्रॉब्लम मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का था, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस, कोई पर्टिकुलर बुक आपने रेफर किया होगा या मॉक? मॉक, मॉक, अगेन देखो फिर से एक बंदा आया और मॉक की तारीफ करके जा रहा है। और रीजनिंग, रीजनिंग के लिए कुछ किया है? अब आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है इस मामले में, क्योंकि आप फील भी करते हो, बट इंजीनियर्स को बाय डिफॉल्ट रीजनिंग काफी अच्छी भैया हम आर्ट्स वाले ये होता है, बट रीजनिंग अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग के लिए कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स की तैयारी करते करते रीजनिंग आ जाती है। दैट वाज ऑन जो मॉक्स है, रीजनिंग मुझे लगता है कॉमन सेंस है, हर कोई डेवलप कर लेता, हर कोई डेवलप कर लेगा, करते करते हो जाता है वो। तो
बुक लिस्ट एक बार हम समराइज करेंगे। इन्होंने मैथ्स के लिए आपने मॉक्स दिए हैं, बेसिक इनकी अच्छी थी। अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो मैं अगेन कहूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत आती है तो 9-10th की कर लो, 9-10th की करते हो तो एडवांस मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और सीजीएल निकालने के लिए एडवांस मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक बार 2017 का पेपर मैंने सीजीएल का दिया था, उस समय इफ यू रिकॉल सबसे टफेस्ट पेपर आया, टफेस्ट पेपर, लोग क्वांटम कैट लगाने लग गए उसके बाद लगाने लग गए थे। एक्चुअली मैं 2020 में मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया कोरोना के टाइम, तो मैं 2017 का मैंने लास्ट मेंस दिया था, तो उसके बाद मैंने उसमें क्वांटम कैट के लिटरली क्वेश्चंस करवाए हैं। हाँ। और आप मानोगे नहीं, क्वांटम कैट हम लोगों को लगता है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, नहीं। वो बहुत ही यू कह लो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है, तो अगर आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए वो मुश्किल नहीं है आप। और सबसे अच्छा क्या है कि क्वांटम कैट में ना क्वेश्चंस जो है ना स्टेजेस में दे रखे हैं, जैसे आपको हर चैप्टर को उन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्टेज में आप वो वाले क्वेश्चंस करते हो जो बैंकिंग के में आते हैं, सेकंड स्टेज में आप एसएससी के लिए जाते हो, और थर्ड में हाई लेवल। अगर आप तीसरे स्टेज में जा रहे हो तो 200 में से 190, और प्री में तो नंबर नहीं कटने वाले, कटेंगे भी तो एक दो कट गए तो कट गए। तो इन्होंने जैसे मैथ्स के लिए मॉक रिकमेंड किया, और इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ग्रामर के लिए कोई किताब, ग्रामर के लिए वही पुरानी ओल्ड स्कूल रेन एंड मार्टिन बहुत लोग यहां पे आगे सजेस्ट करते हैं। जीके के लिए ल्यूसेंट। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा एक बार अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर बिगिनर हो ना तो आप एसएससी पे रुकने वाले नहीं हो, आपको तैयारी करनी है। मैं खुद भाई 28 साल का हो गया हूं, तैयारी कर रहा हूं। एसएससी इज अ जंपिंग ग्राउंड, इसके बाद फिर आप हायर लेवल पे जाओगे, तो इसलिए एनसीईआरटी अगर स्टार्टिंग में ही कर लोगे तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाएगी अंदर से। रीजनिंग के लिए अगेन मॉक पे डिपेंड रहो, तो ये बुक लिस्ट था। अब एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आपने साउथ कोरिया में आपने प्राइवेट जॉब किया है, देन और भी कई सारे अलग अलग रिसर्च पे भी आपने काम किया होगा, प्लस आप 2017 से भी डबल ए हो थे गुजरात में, 2018 से अगेन डबल ए हो, दोबारा से डबल ए हो आपने क्यों ऑप्ट किया? पहला क्वेश्चन ये कि अगर आप डबल ए हो ही थे तो फिर छोड़कर दूसरी बार डबल ए हो ही क्यों आए? और एक क्वेश्चन की आपने प्राइवेट भी किया है और गवर्नमेंट जॉब भी किया है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो? पहले आप प्राइवेट और गवर्नमेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम सेकंड में आएंगे। ठीक है, अभिनव एक बात और छूट गई है इसमें बुक लिस्ट में, मैं डबल एओ के लिए भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप यस, डबल एओ के लिए एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। ये सीजीएल 2018 में क्या हो गया था, आफ्टर मेंस सीजीएल मेंस आई गॉट द इंडिकेशन, इम्प्लीकेशन आ रहा था कि शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे लगा कि डबल ओ के लिए जी जान से प्रिपरेशन करना है। तो डबल ओ के पेपर के लिए अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। अकाउंट्स के अलावा लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पार्ट भूल जाते हैं बहुत लोग, उनको लगता है कि उन्होंने ल्यूसेंट में जो पढ़ा है वही है, जबकि वो नहीं है। आपको स्पेशली इसकी एक बुक रेफर करनी पड़ेगी, और तभी इफ़ यू स्कोर 200 पेपर में से 150, तभी आपको इजीली अच्छी रैंक आएगी और यू गेट अपॉर्चुनिटी इजीली। हमारे साथ है, मैं सूरज 169 आया था। हाँ, मेरे भी 165 थे। 165 आप देख सकते हो, आई गॉट 135-136, तो बहुत डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस, आपने पूछा कि हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट का अंतर। टेक्नोलॉजी वाइज प्राइवेट इज वे अबव हायर, अभी जैसे आपने देखा होगा हमारे OIOS वन इंडियन अथॉरिटी अकाउंट सिस्टम वो लागू हो रहा है। ये बेसिकली जो CAG का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है OIOS के बारे में, तो OIOS अब लागू हो रहा है। इसमें हम क्या होता है, सारी अप्रूवल फॉर्मल विदाउट एनी प्रॉपर फाइल वर्क, मतलब हार्ड कॉपी के बिना अप्रूव होते ही ऑनलाइन। ये सिस्टम 2013-14 में ऑलरेडी वहां पे मैं कर चुका था। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पीछे है, 8-10 साल कह लो, या 10 साल एक्चुअली में। एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतनी बड़ी है कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, और फिर वही है कि आपने 1990 में किसी को हायर किया था, उस समय कंप्यूटर नहीं था, आज कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा इसलिए गवर्नमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। यही बताना चाह रहा हूँ, एक टेक्नोलॉजी शॉक लगता है, मुझे लगा था आफ्टर वर्किंग इन सच ए टेक सेवी एनवायरनमेंट जहाँ पे सारी चीजें आपकी ऑनलाइन चीजें ऐसे मिनटों में हो रही हैं, और यहाँ वापस जब मैं 2017 में जब WWE ज्वाइन किया वहाँ पे गुजरात में, देखा हर वर्क फाइल वर्क है, हर वर्क में हमें साइन करना है, एकदम मैनुअल वर्क।
मुझे लगा ये काम मैं 2 घंटे के अंदर निपटा सकता हूँ, उसके लिए मुझे 10 दिन क्यों दिए गए हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। खैर जैसा कि मैंने कहा, अब ये शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है और अब तो हाँ, तो अब वर्कलोड रहता है, ऐसा नहीं है अब वर्क, बट अच्छा है। मतलब बहुत लोगों को क्या लगता है बाहर से कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब काम नहीं, हाँ नहीं काम तो ये तो भैया भूल जाओ, काम है। हाँ ये है कि घर जाने के बाद तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, सैटरडे संडे तुम्हारा है, आपका जो वही 8 आवर्स से ईमानदारी से दोगे तो फिर कोई काम पेंडिंग नहीं देगा। अगर 8 आवर्स आप ईमानदारी से सीट पे बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, पहले की तरह नहीं रहा है। मैं पर्टिकुलर पटना ऑफिस से हूं, वहां पे काफी एजेड बंदे हैं, मैं उनको देखता हूं बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। पर्टिकुलर मेरे अंडर काफी ऑडिटर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं कि सर बताओ ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, जो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है। एक बार आप डबल एओ थे, आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, 2017 से भी डबल एओ थे, 2018 से अगेन डबल एओ, तो क्या रीजन था कि आपने डबल एओ ही क्यों चुना? जी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का काम, जैसे कि आपको पता है, एक ऑडिट का वर्क होता है और सीएजी डिपार्टमेंट का ये बैकबोन कहा जाता है। यस ठीक है। रीजन बीइंग कि आपके जो यूपीएससी रैंक क्वालिफाई करके डीएजी बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, ये कभी ऑडिट पे डायरेक्टली नहीं जाते। यस जाते हैं हम टीम बनके, और ग्राउंड वर्क पे जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है वो हमारा है। लाइक अपने एक एनालॉजी लेता हूँ मैं, ऑल्दो रिलेवेंट रैंक सेम नहीं है, कि थाने का थाना अध्यक्ष जो होता है, एसआई है जो भी है, वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है उसके डीएसपी से बिकॉज़ कि वो डायरेक्ट वो कर रहा है। हाँ, वो डायरेक्ट फील्ड पे वर्क कर रहा है, उसके जो लिख दिया वो बातें मेंशन है। yes. तो हमने जो बातें अपने रिपोर्ट में लिखी हैं वो बहुत मैटर करती हैं, वो आगे जो है फॉरवर्ड होती है। तो एक पावरफुल पोजीशन है बीइंग विथ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर देन दैट मनी की साइड की बात करते हैं, विद हैंडसम सैलरी। हाँ यस, हैंडसम सैलरी, यू गेट पर्क्स फॉर रिइंबर्समेंट, जितना भी आप ट्रैवल करते हो आपकी जेब से नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको रिइंबर्स कर देता है, और अच्छा खासा अमाउंट। मतलब आप कहीं भी ऑडिट के लिए जाते हो, एक आप मतलब आपको किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा कि छोटा मोटा होटल लेना है, आप एक बढ़िया सा होटल ले सकते हो, बढ़िया खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करती है ये। और सेकेंड थिंग, एक ये कुछ लोग मैंशन कर देते हैं कुछ नहीं करते हैं, एक सोसाइटी की, सोसाइटी में कैसी रिस्पेक्ट है आपकी, वो मैटर करती है। यस, तो बीइंग फ्रॉम गेस्टेड रैंक, यस यू गेट दैट रिस्पेक्ट, लेकिन वो तभी समझते हैं लोग जब आपके डिपार्टमेंट में जानते हैं। तो थैंक्स टू अभिनव कि आपकी वजह से कुछ ऐसे लोग जान पाएंगे कि असिस्टेंट ऑर्डर ऑफिसर की क्या नहीं, जो तैयारी करते हैं वो मैक्सिमम जानते हैं। एक्चुअली डबल एओ के लिए ना लोग थोड़े डरते हैं ऑप्ट करने से, एक्चुअली साउथ पोस्टिंग से वो डरते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट जाने से डरते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ पर्सनली, ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, कि अगर आपको मतलब पर्सनल पे काम करना है रेदर देन सोसाइटी पे, जैसे आप अच्छा फील करना चाहते हो ऑफिस में, बिकॉज कि आप 30 साल देने वाले हो एक डिपार्टमेंट को, ऑन एन एवरेज 30 से 35 साल आप एक डिपार्टमेंट को देते हो, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे आपकी फैमिली क्या बन रही है, आप क्या बन रहे हो। तो अगर आप रेदर देन होम पोस्टिंग को बहुत ज्यादा प्रीफर करना, अगर घर के आसपास भी जॉब मिल रही है ना डबल एओ में, तो आपको जाना चाहिए। मैं पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली की जॉब मिल रही थी 2018 बैच से, मैंने छोड़ा है, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी या बिहार मिलेगी या कहां मिलेगी, बट स्टिल मैंने डबल एओ ऑप्ट किया था, बिकॉज की मुझे ये बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब लगा था, ये काफी अच्छी जॉब है भी, नो डाउट एक बैलेंस जॉब है। जैसे सीबीआई के बारे में हम सुनते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर सुनते हैं, उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वर्कलोड है, फैमिली लाइफ उनकी इफेक्ट होती है, आपकी यहाँ फैमिली लाइफ इफेक्ट नहीं होती है, यहाँ पे आप बैलेंस बना लेते हैं, ऑल्दो यू आर इन फील्ड टूर तब भी बैलेंस बना लेते, तब भी बैलेंस मिल जाता है, सैटरडे संडे है आपके पास, बहुत सी चीजें। और आप घर से कितना किलोमीटर टूर पे जाते हो, अगर 100-150-200 किलोमीटर, और 100-150-200 किलोमीटर मैक्सिमम होता है ये, आप इजीली आ सकते हो फ्राइडे को ऑफिस आवर्स के बाद या सैटरडे को मॉर्निंग में, और छुट्टी वगैरह भी मिल जाती है हमारे यहाँ आराम से। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया जैसे अपना एजी ऑफिस प्रयागराज, तो मैं फर्स्ट टू सेकंड डे था, और उस समय कुछ ऐसी बात थी कि मुझे लीव चाहिए थी, मैंने लीव एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है ईएल का भर के अपने सीनियर के पास गया, सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, ऑल्दो मैंने अभी ज्वाइन किया मेरे पास लीव है नहीं, लेकिन ये क्रेडिट होगी उससे मतलब एडवांस में हो जाएगी। तो मैंने फॉर्म दे दिया उनको, सर लीव चाहिए थी, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा ऊपर नीचे, ये 2017 की बात बता रहा हूँ। एजी ऑफिस में अगर तो कोई तुमको लीव ना दे
मुझे उस दिन तुम फोन करना। ईजी ऑफिस में हमेशा आपको लीव मिल जाए। एक्चुअली ये हमारे साथ भी हुआ था कि मेरे कुछ कलीग्स थे, अब मैं तो टेक्निकल लेके आया था तो मेरे पास लीव ऑलरेडी था, तो एक को जाना था ज्वाइन करने के 8 या 10 दिन बाद, तो मैं अब उसको समझा रहा हूँ कि भाई छुट्टी तो मिलेगी नहीं, लेकिन साइड में कोई सुन लिया कि कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं मिलेगी छुट्टी, चलो। और वो गए और सीनियर है, उन्हें काफी उसको बहुत फ्रेंडली वे में, अरे छुट्टी ही तो है, अभी आप आए हो, घूमो फिरो आराम से, काम मतलब काम सीखते हुए आप छुट्टी के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती इनमें, ये सबसे अच्छी क्या लगता है ना अभिनव, हमारा डिपार्टमेंट इंटर कोऑपरेशन टीम वर्क में ज्यादा वर्क करता yes. है। अगर आप पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट में बना के रखेंगे तो लाइफ लॉन्ग 20 ईयर्स की सर्विस में, 30 ईयर्स की सर्विस में आपको कभी कब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे रिलेशंस बनते हैं जब आप दोनों आप अपने कलीग के साथ काफी अच्छा क्लोज बिहेवियर बना लेते हैं। और इस मामले में मैं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पहले सीजीडीए डिपार्टमेंट में था ऑडिटर, और मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो जो मेरे डबल एओस थे या सीनियर एओस थे उन्होंने कभी भी बेवजह मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने छुट्टी दिया मुझे, उन्हें भी पता था घर की प्रॉब्लम है, बट अगर वो समझ भी रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। आप मतलब क्योंकि देखो एक्चुअली वो मेरी फैमिली मेंबर नहीं है, आप उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट स्टिल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं बताता हूं। मैं भी एग्री करता हूं उनकी बात पे। कोई एक सजेशंस, लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम, कोई एक सजेशंस बुक या कुछ जो बच्चों को आप बताना चाहो कि रेगुलर करना चाहिए, कोई पैशन, कोई हॉबीज। बिल्कुल, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आप एक रेगुलर बेसिस पे रीडिंग हैबिट जरूर डालिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी सेइंग है, यू आर ओल्ड वेदर यू आर एट 20 और 80 इफ यू स्टॉप लर्निंग। यस, इट इज बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू कीप योर माइंड यंग बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखा करिए, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच उज्ज्वल भाई, आपने अपना टाइम दिया। एक्चुअली मैं बहुत लोगों को इसकी सच में बहुत नीड रहती है। अगर उज्ज्वल भाई से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, आई प्रॉमिस पर्सनली ये सबका जवाब देंगे। sure. और मैं चाहूँगा कि एक ये और वीडियो आप लोगों के लिए शूट करेंगे कि डबल ए ओ का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, क्योंकि इन्हें जॉब करते हुए 3 साल हो गए हैं, 2 ईयर्स, तो ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप लोगों को भी जो बहुत सारे मिथ है डबल ए ओ से वो भी हट जाएगा। एक और बात, SAS एग्जाम में भी मैं बताना भूल गया था, उसमें भी मैं हेल्प कर दूंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे अभिनव, आई एम नॉट बोस्टिंग हियर बट मेरे मार्क्स काफी अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आई थिंक मैंने 3 या 4 स्टेट्स के देखे हैं रिजल्ट, आपके जितने मार्क्स किसी के नहीं है। नहीं, इतने भी नहीं हो गए। नहीं है, आप अगर ओवरऑल करोगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, काफी अच्छे मार्क्स है, मतलब जहां 45 मार्क्स पासिंग है वहां पे अगर कोई 70-80, और SAS इज टफेस्ट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये भी ध्यान रखना, वहां पे ये 70% स्कोर कर रहे हो वो काफी ज्यादा है, तो एक पेपर में तो आपके 96 है। अरे वो तो तो वो बहुत बहुत ही अच्छा है वो, तो ये SAS के लिए भी एक मतलब उसमें आप ऐड करते हैं, मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल जरूर, बहुत लोगों को उसकी नीड है एक्चुअली में। तो इस सेशन में इतना ही था, अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरे साथ बैठो और अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि आज उज्ज्वल भाई ने किया, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू जो अब तक मैंने लिया है, आपने बहुत ही ज्यादा बोल दिया। नहीं, मैं एक्चुअली ज्यादा बोलता नहीं हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो आप मेरे साथ बैठो, देखो बैठने में ना हो सकता है आपको शर्म आ रही होगी या फिर लोगों को लगता है कि नहीं आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, आप शो ऑफ कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है, आप एक्चुअली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपको पता है ऑफलाइन आप ये कर रहे हो, आप एक एक दो दो लोगों से मिलते हो और उन्हें गाइड करते हो और बहुत अच्छे से गाइड करते हो, क्योंकि मैं खुद करता हूं, आप भी करते होंगे, यहां पे आके करते हो ना तो आप एक साथ 500,000 आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हो, या फिर हु नोज सब्सक्राइबर बढ़ जाए और आप 50,000 10,000 बंदे को, तो बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप यहां आ रहे हो, दैट मींस कि आप हेल्प कर रहे हो दूसरों पे, खुद पे नहीं, और कुछ चीजें हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। yes. तो इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं, ऐसी और भी सेशंस आते रहेंगे, ऐसे और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे, बने रहो, तब तक कीप स्टडी, पढ़ते रहो। थैंक यू।